सुपरमैन काफी ग्रिपिंग है, फुल ऑफ एक्शन पावर एंड गुड म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक, एक्टिंग भी सबकी बहुत बढ़िया है, स्पेशली धुवा की डायरेक्शन कैसा लगा? सुपरमैन बहुत बढ़िया है, टू गुड। और पांच में से अगर स्टार की बात कीजिए, पांच में से कितने स्टार दोगे? पांच में से कितने स्टार देना चाहोगे? 3.5 or 4। कैसा था फिल्म का? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, एकदम स्मूथ और रियल है। हीरो का एक्शन कैसा लगा? अनएक्सपेक्टेड था। मुंबई से रहने वाला हूँ, आप गुजराती, तो साउथ इंडियन मूवी मुझे अच्छी लगी थी, तो इसका एक्शन बहुत अच्छा था। और ये जो हीरो है उसका पहले मैंने वही देखा था, फगेरो कुछ मूवी आया था तो वो हिंदी में नहीं था, आई थिंक मलयालम में था, तो मैंने देखा था। इसका एक्शन बहुत अच्छा है और इंटरवल से पहले तो काफ़ी स्टोरी अच्छी जा रही है, थोड़ा सस्पेंस भी है, मार्टिन कौन है कौन है, फिर मार्टिन ये बता रहा है कि आगे क्या है वो देखते हैं, बहुत अच्छा मूवी क्लास। मीन्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्शन पैक्ड फिल्म जो आपकी नज़रें झुकाने नहीं देती, ग्रिपिंग फिल्म है, बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, अमेजिंग फिल्म है, वन ऑफ द बेस्ट एक्शन फिल्म आफ्टर आई थिंक सो। मीन्स क्या बोले, मीन्स कन्नड़ा फिल्म के बारे में हम लोग क्या बोले, इस तरीके से वो एक एक कदम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। इट्स अ वेरी टफ कॉम्पिटिशन, नॉट फॉर ओनली फॉर द बॉलीवुड। बहुत ही ग्रिपिंग डायरेक्शन है, बहुत ही फास्ट पेस कटिंग है, कहानी बहुत ही दिल के साथ जुड़ी हुई है, जो चेंज हो रहा है इस कहानी का एक्टर्स का वो हम बोल नहीं सकते, अमेजिंग डायरेक्शन। एक्टर ने जो एटीट्यूड कैरी किया है, जो एटीट्यूड पकड़ के रखा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन्होंने हर एक फ्रेम में अपने आँखों से, अपने इमोशंस के साथ, अपने एक्सप्रेशंस के साथ कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। ये एक्टर और डायरेक्टर का बहुत ही एक अच्छा कॉम्बिनेशन हमें इस फिल्म में दिखाई दे रहा है। फाइव में से आउट ऑफ फाइव, क्योंकि बहुत ही अच्छी एक्शन है, बहुत ही अच्छा कॉस्ट्यूम है। मैं यहाँ तक कहना चाहूँगा कि हर एक फ्रेम जो है वो 2-2 लाख रुपए की फ्रेम, कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। फिल्म क्या होता है इस फिल्म से हमें सीखना चाहिए। थैंक यू मार्टिन। मैंने जो अभी देखा क्या लाजवाब, मार्टिन के हर एक फ्रेम में इतनी खूबसूरती है, डायरेक्टर को लाजवाब। अर्जुन साहब की तारीफ करते करते आप थक जाएंगे, आप पिक्चर देखेंगे तो आपकी नज़र नहीं हटेगी। और क्या एक्शन से भरी है एक्टर, वाह माशाल्लाह क्या उसने काम किया। और मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि मार्टिन एक बार देखें आपकी नज़र नहीं हटेगी, और हर एक फ्रेम में। फिल्म का बीएफएक्स कैसा था? म्यूजिक क्या लाजवाब है, मैं तो कहूँगा कि आप एक बार देखें आपकी नज़र नहीं हटेगी। एक एक फ्रेम पे ध्यान दिया गया, एक एक फ्रेम पे बाइक में क्या फिल्म है। मैं तो चाहूँगा आप लोग से शेयर करूँगा कि एक बार आप देखें क्या मार्टिन लाजवाब एक्टर के बारे में कहना क्या। पाँच में से कितने स्टार देना चाहूँगा? मैं तो देना चाहूँगा 4 देना चाहूँगा। मेरी नेक्स्ट अच्छी पिक्चर है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा एक बार देखें। अरे पहले सुन लो, सुनाई दे बहुत अच्छी फिल्म है, इसमें पूरी तरह से एक्शन हटके किया गया है। इसमें जो स्टार्टिंग में देखो बढ़िया है, बिल्कुल अलग तरीके का एक्शन जो आज तक मैंने शायद नहीं देखा, बहुत अच्छी फिल्म। फिल्म के डायरेक्टर अर्जुन जी का डायरेक्शन कैसा लगा? बहुत अच्छा डायरेक्शन लगा, मतलब हमें तो लगा है कि ऐसा बनना कितना मुश्किल होता है, हम लोग देखने में तो आसान लगता है लेकिन बनाने में कितना मुश्किल लगता है ये शायद देख के पता चलेगा आप लोगों को। आप लोग भी देखिए और ऐसी पिक्चर को देखना चाहिए। 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे जी? 5 में से स्टार कितना देना चाहोगे? 5 में से मैं 6 देना चाहूँगा। क्या बात, थैंक यू, बहुत अच्छी फिल्म लगी एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरी दोस्त अनवेसी जैन है, ऑलरेडी हम लोग साथ में काम किए थे और संदलिया भी अच्छी काम कर रही है जो लीड में कैरेक्टर प्ले कर रही है, तो आज मैं टाइम ही नहीं मिलता, शूटिंग चल रहा था तो अभी आज आया, बहुत अच्छी लगी मूवी। तो ऑडियंस को यही बोलूँगा मूवी बहुत सुपर हिट है, एक्शन से भरपूर है। थैंक यू सो मच।